तो स्वागत है पुनीता किचन में। आज हम आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है साबूदाने की सैंडविच। तो चलिए उस रेसिपी की हम शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है पुनीता किचन में। आज हम आप लोगों के लिए एक नई और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है साबूदाने का सैंडविच। तो देखिए उसके लिए हमने क्या क्या लिया है। ये हमने साबूदाना लिया है, इसको हमने 2 से 4 घंटा भिगो दिया है। और ये है मूँगफली जिसे हमने कूट लिया है भून के, अदरक, काली मिर्च का पाउडर, नमक, हरी धनिया, हरी मिर्ची और 4 आलू उबाल के ले लिए हैं, 1 टमाटर कट करके ले लिए हैं, 1 आलू कट करके ऐसा हमने कट लिया, आलू को देखिए इस तरीके से कट करके ले लिया है। और फिर 4 आलू हमने खड़ा लिया। तो इस आलू को हम क्या करेंगे, पहले एक बर्तन लेंगे और इस अदरक घसने वाला घसनी से इसको ऐसा हम घस लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से चारों आलुओं को हम घस लेंगे। ये देखिए हमारा घिस के हो गया है आलू। तो एक आलू हमने बचा के रख दिया है। ये हम कटोरी वाला साबूदाना लेंगे और इसमें हम डाल देंगे, एक बर्तन लेंगे। ये देखिए इस तरीके से साबूदाना फूलना चाहिए, पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए इसमें। ये देखिए कैसा फूला हुआ है। और इसमें हम क्या करेंगे, ये आलू भी डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से, पता है आपको ये बहुत ही अच्छा है, अच्छा नाश्ता है चाय के साथ। और एक हमने जो खड़ा आलू रखा था ये ऐसे इसको मैश कर देंगे इसमें। तो आप ये अच्छा नाश्ता चाय के साथ बनाइएगा, बहुत अच्छी। हरी धनिया है, ये मिर्ची आप तीखे के अनुसार ले सकते हैं, और काली मिर्च भी तीखा ही होता है तो उसके हिसाब से आप मिर्ची डालिएगा। ये देखिए ये बहुत जल्दी बन जाती है रेसिपी। ये अदरक है, 1 से 1.5 इंच हमने अदरक ले लिया है, ये डाल देते हैं इसमें। और लास्ट में ये क्या करेंगे, भुना हुआ मूंगफली कूट के, मिक्सर में नहीं ऐसे डाल देंगे। और लास्ट में नमक स्वाद अनुसार। ये देखिए देखिए हमने सारे जो इसमें पड़ने वाले थे मसाले वगैरह जो डाल दिए हैं। और हाथों से मलिएगा क्योंकि हाथों में ही स्वाद होता है। तो इस तरीके से अच्छे से इसको सॉफ्ट मलेंगे। देखिए हमने जो सैंडविच का मसाला तैयार किया था हो गया है। हमने एक टोस्टर लेंगे सैंडविच वाला, और क्या करेंगे, ये हाथों में थोड़ा थोड़ा पानी लगा के और इस तरीके से ऐसा करके, और इसमें हम क्या कर, बिना तेल लगाए ही इसको ऐसे हम फैला लेंगे। देखिए इस तरीके से पूरा भर लेंगे, हाफ भरेंगे। अच्छा, इसको हम मतलब हाफ ही भरेंगे लेकिन पूरा कवर करेंगे, पूरा राउंड जो है कवर होना चाहिए इसमें। देखिए हमने चारों बगल से पूरे अच्छे से सैंडविच को भर लिया है साबूदाने के। तो हम क्या करेंगे, एक आलू उबला हुआ लेंगे ऐसे, फिर एक टमाटर लेंगे, फिर वापस से एक आलू ले लेते हैं टुकड़ा इस तरीके से। और वापस हम इस जगह आप पनीर काट के रख लीजिए, चीज़ रख लीजिए, वो आपकी पसंद है। और इस फिर से हम वापस से ये बैटर लेंगे और इस पर वापस से हम चपकाएंगे, एक लेयर और लगाएंगे, हाँ पूरे अच्छे से। ये देखिए हमारा हो चुका है, पूरे अच्छे से हमने लगा लिया। हम क्या करेंगे, टोस्टर को बंद करेंगे, लॉक करेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको हम लॉक करेंगे और गैस को चालू करेंगे धीमी आँच पे, इसको 1 से 2 मिनट सेकेंगे। आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमने बटर या घी क्यों नहीं लगाया, तो हमने इसलिए नहीं लगाया कि चारों बाजू से फेंकने लगेगा, तो हम दोनों बाजू से थोड़ा थोड़ा क्रिस्पी कर लेंगे तो इसमें घी हम लगाएंगे। तो इसको 1 से 2 मिनट तक सेकते हैं उल्टी करके पलटी करके। देखिए आप बीच बीच में इसको चेक करते रहिएगा अलट पलट के, हमने 1 से 2 बार उल्टी पलटी किया है, आप भी पलटी कर लीजिएगा। देखिए हमारा 1 से 2 मिनट हो चुका है, अब हम इसको चेक करेंगे। हमने पहले भी 1-2 बार चेक किया था। देखिए इस तरीके से हो जाए ना, तो आप क्या करें, थोड़ा सा नीचे लें इसको, और घी या बटर, हमने तो घी लिया है देसी, आप बटर भी ले सकते हैं, और इसको ऐसा इस पर लगा दीजिए। देखिए इस तरीके से लगा दीजिएगा ना तो बहुत ही अच्छा। अगर आप पहले घी या बटर लगा देंगे ना तो ये फेंकने लगेगा। अब पलटी करके बंद करके फिर इस बाजू लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से बनाएंगे ना आप, तो ये आप व्रत में भी खा सकते हैं इसको। सिर्फ इसमें सेंधा नमक डालना ज़रूरी है, बाकी तो हमने
रोज़ रेगुलर नमक डाला है। ये देखिए वापस हम बंद कर देंगे और फिर से हम एक से दो मिनट के लिए इसको रख देंगे, इस पर चेक करते रहेंगे इसको। देखिए हमने घी लगा के एक से दो मिनट तक सेक ली हूँ, अब इसको खोलते हैं और देखते हैं कि कितना अच्छा बना है। ये देखिए ऐसा हुआ है, और इधर से भी दिखाती हूँ, हो चुका है बिल्कुल अच्छा। तो हम गैस बंद करेंगे और इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा बना है, और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे और वापस उसी तरीके से दूसरा बनाएंगे। इसी तरह हम दूसरा बना लेंगे, पहले एक लेयर पतला सा चारों बगल से पैक कर लेंगे इसको अच्छे से। तरीके से हम गैस चालू करके जैसा पहला वाला सेक है ना, वैसे इसको भी सेक लेते हैं धीमी आंच पे, और आप इसको बीच में चेक करते रहिएगा। बटर लगाने के बाद एक से दो मिनट इसको पका लेंगे हम, अलट के और पलट के दोनों बाजू से। ये देखिए हमारा हो गया है। अब हम क्या करेंगे ना, गैस को बंद कर देंगे इस तरीके से, और ये ठंडा होने के बाद इसको हम कट करेंगे। अभी बहुत ही गर्म है, देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी बना है। तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है और बहुत जल्दी बनने वाली है। तो आप इसमें वो भी डाल सकते हैं ना, खीरा तो डाल सकते हैं, और ये शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं एक एक लेयर। ये देखिए कितना अच्छा बना, इसको ठंडा होने देते हैं हम। देखिए ये ठंडा हो गया, मैं इसको कट करने जा रही हूँ। अगर अच्छा कटा तो ठीक है, आप भी हमारे तरीके से काटिएगा। ये देखिए कितना अच्छा कट गया है, ऐसे पकड़िए और ऐसा निकाल दीजिए इसका। गर्म था और हमने काट दिया इसको, और कटा है ऐसा, तो आप भी इसी तरीके से काटिएगा। और अजीब टमाटर आलू कितना अच्छा दिख रहा है, इस जगह आप शिमला मिर्ची भी डाल सकते हैं तो बहुत अच्छा दिखेगा। तो ये देखिए ऐसे हम रख देते हैं। देखिए दोस्तों कितना अच्छा बना है ये, इसी तरीके से आप भी बनाइएगा, और आपका कैसा बना वो मेरे चैनल पर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, इससे आपको हमारी जो भी नई रेसिपी आएगी उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी का, तब तक के लिए धन्यवाद।